नमस्कार सभी एचबीएन 24 न्यूज देखने वाले सभी साथियों को, मैं पत्रकार संदीप नोखवाल। जी हां, भाजपा के अंदर आज फाइनल मीटिंग दिल्ली के अंदर जारी है और लगभग 50 उम्मीदवारों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर नाराजगी है। वहीं पर आपको बता दें कि कुछ सीटें हैं लाड़वा से पार्टी सीएम सैनी को चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन अब सीएम सैनी खुद करनाल से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर अपने बैकअप के तौर पर वो लाड़वा से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में पार्टी के डिसीजन की मीटिंग जारी है, लेकिन जो उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं उनकी संभावित उम्मीदवारों की सूची आज आपको बताने वाला हूं। जिनकी टिकट कभी कटी नहीं सकती है वो भाजपा के उम्मीदवार आदमपुर से चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, जी हां, जिनकी टिकट नहीं कट सकती है आदमपुर से, ये चुनाव लड़ेंगे। इनकी भाजपा किसी भी हाल में टिकट नहीं काट सकती है। दूसरे नंबर पर अंबाला कैंट से अनिल विज, जिनकी पार्टी के किसी भी नेता में दम नहीं है, इनकी टिकट काट सके। अंबाला कैंट से अनिल विज की टिकट पक्की है। वहीं पर अगली टिकट की बात की जाए असम से सरदार बख्शीश सिंह, जी हां, इनकी टिकट पर थोड़ा संशय बना हुआ है, लेकिन 99% इनको ही टिकट मिलने के चांस है। आगे की बात करते हैं अटेली से आरती राव, जी हां, राव इंद्रजीत को 5 सीटें देने पर पार्टी तैयार हो चुकी है। अब राव इंद्रजीत उन 5 सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारेंगे वो सेकंड लिस्ट में जिनकी सूची आएगी, लेकिन उससे पहले आरती राव की टिकट पक्की हो चुकी है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हरियाणा की बड़ी खबरें मिलती रहे। जी हां, बहुत ही इंटरनल रिपोर्ट से ये बातें सामने आ रही है, तो बड़ी मेहनत लगता है, बड़ा समय लगता है इंटरनल रिपोर्ट निकालने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से मैं ये चर्चित चेहरों के नाम आप लोगों के सामने लेके आया हूं। और लगभग पहली सूची जो कल जारी होगी उसके अंदर आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। जी हां, बात करते हैं बादली से, ओम प्रकाश धनखड़ बादली से चुनाव लड़ेंगे। बाड़ला से मनदीप दलाल चुनाव लड़ेंगे, जी हां। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह को टिकट दी जा रही है, जी हां। मैं यहां पर लगभग आपको 70 के आसपास सीटें बताऊंगा, इनमें से 50 सीटें फाइनल हो चुकी हैं और कुछ सीटों पर चर्चाएं अभी भी चल रही हैं, क्योंकि दो दो उम्मीदवार है तो पार्टी के लिए तय करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही कांग्रेस के अंदर हो रहा है, कांग्रेस की भी कल मीटिंग होगी और मीटिंग के अंदर कुछ उम्मीदवार फाइनल होंगे और कुछ उम्मीदवारों के नाम जो हमारे पास सामने आए हैं वो मैं आपको बता भी दूंगा, इंटरनल रिपोर्ट कुछ ही देर में आने वाली है। वहीं पर बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे एंड बड़ौदा से योगेश्वर दत्त, जहां दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं तो योगेश्वर दत्त की टिकट बड़ौदा से एक बार फिर से पक्की हो चुकी है। वहीं पर बरवाड़ा से रणवीर गंगवा चुनाव लड़ेंगे। बावल से डॉक्टर बनवारी लाल चुनाव लड़ेंगे, जी हां, जो सीट है कुलदीप बिश्नोई के दबाव में रणधीर पनिहार को नलवा की सीट दी जा रही है, और बरवाड़ा से रणवीर गंगवा जो हमेशा से नलवा की सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं वो चुनाव लड़ेंगे। बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, जी हां, भवानी खेड़ा से बसिंबर बाल्मीकि को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। वहीं पर बहादुरगढ़ से दिनेश शर्मा, बेरी से विक्रम कादियान, भिवानी से घनश्याम श्रफ जिनकी टिकट लगभग 99% फिक्स हो चुकी है, डब्बावाली से बलदेव सिंह, दादरी से सतपाल सांगवान, जी हां, दादरी से सतपाल सांगवान प्रबल दावेदार है भाजपा के, सतपाल सांगवान। वहीं पर फरीदाबाद से विपुल गोयल, फरीदाबाद एनआईटी से नागेंद्र भडाना, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, फतेहाबाद से दूड़ा राम, जी हां, कुलदीप बिश्नोई के दबाव में दूड़ा राम को एक बार फिर से टिकट दी जा रही है फतेहाबाद से। वहीं पर गनौर से देवेंद्र कादियन, गोहाना से कृष्ण धूल, गोहला से रवि तारावाली, गुरुग्राम से यशपाल बत्रा, जी हां, यशपाल बत्रा को टिकट दी जा रही है। हांसी से डॉक्टर डीपी बस, जी हां, विनोद भ्याना की टिकट कट चुकी है, डॉक्टर डीपी बस को टिकट दी जा रही है। हथीन से प्रवीण डागर, हिसार से सावित्री जिंदल ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो अब उनकी जो है पुत्र वधु को टिकट दी जा सकती है। सावित्री जिंदल खुद चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी चाहती है कि सावित्री जिंदल खुद चुनाव लड़े, लेकिन नवीन जिंदल चाहते हैं कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े। अब ये पार्टी परिवार में ही टिकट है, यहां से साफ साफ क्लियर हो चुका है कि कमल गुप्ता की टिकट कर चुकी है। होटल से आपको बताना चाहूंगा कि जगदीश नायर की टिकट फिक्स हो चुकी है। इंद्री से पूर्ण सिंह कंबोज की टिकट फिक्स हो चुकी है। इसराना से कृष्णलाल पवार, जगाधरी से कंवरपाल गुज्जर, हजज्जर से राजकुमार कटारिया, जीन से कृष्ण मिड्डा, जुलाना से सुरेंद्र लाथर, केथल से लीलाराम गुज्जर, कलानौर से सूरजमल, कलावाली से बलौर सिंह, कलायत से सुमन राणा, जी हां, बलकौर सिंह कलायत से सुमन राणा जिनकी टिकट अभी फाइनल नहीं है, संशय है,
खरखोदा से पवन खरखोदा, कौशली से लक्ष्मण यादव, लोहारू से जेपी दलाल, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा, महम से महंत सतीश दास, इनकी भी टिकट पक्की नहीं है, पार्टी विचार करेगी। वहीं पर नलवा से रणधीर परिहार, कुलदीप बिश्नोई के दबाव में दो टिकटें दी गई है रणधीर परिहार की और दूड़ाराम की। नांगल चौधरी से डॉक्टर अजय सिंह यादव, नारनौल से डॉक्टर सुधा यादव, नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु, नरवाना से अशोक तंवर, नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी, नुहस से जाकिर हुसैन, पालवाल से दीपक मंगला, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, पानीपत सिटी से प्रमोद विज, जी हाँ पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा, पटौदी से डॉक्टर सत्यप्रकाश जरावत, पहवा से प्रदीप सैनी, पृथला से टेकचंद शर्मा, पुंदरी से अनीता चौधरी, पुनहना से मोहम्मद सलीम सरपंच, रादौर से श्याम सिंह राणा, रतिया से सुनीता दुग्गल, जिनका विरोध किया जा रहा है पार्टी के द्वारा, लेकिन पार्टी सुनीता दुग्गल को ही यहाँ से टिकट दे रही है, रेवाड़ी से सनी यादव, रोहतक से मनीष ग्रोवर, सढ़ोरा से कुसुम सिरावल, सफेदो से जसवीर देसवाल, शाहबाद से कृष्ण बेदी, समलका से शशिकांत कोसी, गरीसा प्लस से मंजू हुड्डा, जो टिकट के प्रबल दावेदार हैं, लगभग फाइनल हो चुका है। सोना से जो है नरेंद्र यादव, सोनीपत से ललित बत्रा, टिगांव से देवेंद्र चौधरी, टोहारा से रिंकू मान, तोसाम से श्रुति चौधरी, उचाना से जसवीर खटकर, उकलाना से आशा खेदड़, यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा, इनकी टिकट लगभग फाइनल हो चुकी है। मैंने यहां पर आपको 70 टिकटें बताई है, जिसमें से मंथन के द्वारा 50 टिकटें फाइनल कर दी जाएंगी। कुछ उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी में अभी भी कंफ्यूजन है, तो उनमें से आप मान सकते हैं, जैसे कि रतिया की सीट सुनीता दुग्गल है, और जो पीछे की कुछ सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों के नामों पर लोग अड़े हुए हैं, भाजपा के अंदर विरोध कर रहे हैं कि हमें टिकट दो, हमें टिकट दो। जी हाँ, कांग्रेस ही नहीं, भाजपा के अंदर भी ऐसा विरोध हो रहा है। उसमें से बहुत सारी सीटें हैं, लाडवा की सीटें हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, यहाँ पर लगभग 50 सीटें जो नाम फाइनल हो चुका है, जिनकी सूची कल जारी कर दी जाएगी। बाकी बची हुई सीटें जो 40 बची हैं, जिन पर खूंड बजा हुआ है, जिन पर डंडा बजा हुआ है, उन सीटों की जो सूची है सेकेंड लिस्ट में जारी कर दी जाएगी। लेकिन ये उम्मीदवार लगभग फाइनल है। आप अपने विचार कमेंट करें, बने रहिएगा HBN 24 न्यूज के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।